एक बार एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा शराबी कौन होते हैं? पापा बोले, बेटा ये जो सामने चार कारें दिख रही हैं ना, वे शराबी को आठ दिखती हैं। तभी बच्चे ने कहा, लेकिन पापा सामने तो सिर्फ दो कारें हैं। देखिए अभी 15 अगस्त बीता है, कई लोगों ने भारत का झंडा प्रोफाइल पिक्चर पर लगाया हुआ था, सभी प्रोफाइल पिक्चर एक जैसी दिख रही थी। ऐसे में मैसेज भेजते हुए सावधानी बरतिए, गर्लफ्रेंड वाला मैसेज अगर बीवी को चला गया तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी रूह भी जिस्म से आज़ाद हो जाएगी। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, हर इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिखता है, और दूसरी बात, इतना अच्छा भी नहीं होता है जितना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखता है। रक्षाबंधन आ गया है, थोड़ी बहनों की भी बात होनी चाहिए, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। आज मैंने भगवान को 100 रुपये चढ़ाकर अपनी बहन के लिए दिमाग मांगा, भगवान ने 500 रुपये वापस दिया और कहा, ये असंभव है। भाई साहब बहनों के तो मजे ही मजे हैं। शादी से पहले पापा की परी और शादी के बाद घर की लक्ष्मी। और भाइयों का क्या है, शादी से पहले पापा से पिटते थे और अब शादी हो गई तो बीवी से पिटते हैं। क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा कि बेटा दहेज किसे कहते हैं? भाई साहब अद्वितीय जवाब सुनने को मिला। लड़के ने कहा, जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता हो तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। इतना सुनते ही मास्टर साहब बेहोश हो गए। पति की कब्र पर पत्नी रोते हुए बोली, बेटा लैपटॉप मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी मोबाइल की फरमाइश कर रही है, कहां से लाऊं? खुद मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, क्या करूं? कब्र से घुटी घुटी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। इन दिनों मैसेज टाइप करते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि हाँ जी की जगह हाँ दी टाइप होते ही गठबंधन रक्षाबंधन में परिवर्तित हो सकता है। जिन लोगों की पत्नियां रक्षाबंधन पर मायके चली गई हैं, वो अपने डीपी पर तिरंगा लगाकर अपनी आज़ादी का इजहार कर सकते हैं। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बवाल तो तब मचता है जब पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगता है। देखिए रक्षाबंधन के पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। पत्नी की नापसंद साड़ी रक्षाबंधन पर बहन को चिपकाने वाले भाई के लिए नर्क में बड़ी कढ़ाई में अलग से तेल उबाला होता है। एक लड़के को खांसी हो गई, उसके दादाजी ने कहा, एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़के ने कहा, दारू से खांसी जाती है क्या? तो उसके दादाजी ने कहा, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई और तू खांसी की बात करता है। रक्षाबंधन पर बहन को आईफोन गिफ्ट तो कर दूं, लेकिन वो खुशी से रो पड़ेगी और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए प्लान कैंसिल। शक की भी हद होती है। पति के हृदय की सर्जरी होने के बाद पत्नी ने सर्जन से एक सवाल पूछा कि इनके दिल में कोई दूसरी थी? डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था, बोला, हाँ जी उसी का तो बाईपास किया है।